अस्सलाम वालेकुम, टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला नसीर और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ चैनल। आज हम लाहौर के मदनी कुकिंग पॉइंट पर मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं और यहां बहुत अच्छी अच्छी डिशेस तैयार की जाती हैं। तो आइए बात करते हैं सीईओ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 2001 से कर रहे हैं ये काम। खाना वगैरह सब खुद ही बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सारा खुद ही बनाता था लेकिन अब थोड़ा सा कारीगरों को भी, क्योंकि अब काम ज़्यादा है तो इस वजह से सारा खुद नहीं बना सकता, बाकी सारी डिशें तकरीबन खुद बनाता हूँ। कितने मुलाजमीन काम कर रहे हैं? तकरीबन है 8 से 10। आपकी कामयाबी का राज क्या है? हमारी कामयाबी का राज एक तो सफाई सुथराई, ईमानदारी, मेयार और मकदार दोनों पर तवज्जो देना। पाकिस्तान में भी काम किया जाता है और बाहर भी करते हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में ज़्यादा काम करते हैं और जब मौका मिलता है बाहर लोग बुलाते हैं तो बाहर अरब अमारात वगैरह में भी काम करने जाते हैं। और ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने नए किस्म के खाने मुतारफ करवाए। यहाँ पर 250 डिशेज तैयार की जाती हैं जिनमें कम से कम कोरमा, बारबेक्यू, कस्टर्ड और दीगर बेहतरीन खाने तैयार किए जाते हैं। हम इस खाने के टेस्ट की बात की जाए तो इस खाने के टेस्ट की क्या ही बात है, पूरे पाकिस्तान में इसके खाने के टेस्ट को पसंद किया जाता है और यहाँ तक के बल्कि बाहर के मुल्क में भी खाने के टेस्ट को पसंद किया जाता है। गरीब और नादार अफराद को यहाँ पर खाने में रियायत भी दी जाती है। तो नाज़रीन आपसे कुछ बताएं कि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 150 लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। तो नाज़रीन यहाँ पे मेल और फीमेल्स को मुख्तलिफ रेसिपी भी सिखाई जाती है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आप भी अगर यहाँ पर खाना पकवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। तो इनके सीईओ का नाम है चौधरी फहीम नाजिम अतारी।